हेलो एवरीवन वन वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल व्योम किड्स एजुकेशन आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल व्योम किड्स एजुकेशन में जिसमें हम आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स के डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में नॉलेज देते हैं और आज हम आपको कंप्यूटर सब्जेक्ट से रिलेटेड एक टॉपिक पर नॉलेज देने जा रहे हैं इसके लिए आप हमारी वीडियो देखते रहिएगा माउस यस टुडे आर टॉपिक इज माउस हैंड्स ऑन माउस आज हम इस टॉपिक में माउस से रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे And topics are how will you use mouse, uses of mouse, how will you take care of mouse, what is the use of mouse, and many other topics are included in this video. So, let's see uses of mouse. नाउ वी विल स्टडी यूज माउस के क्या क्या यूज होते हैं द माउस इज यूज टू पॉइंट यस माउस का यूज होता है जो आपके मॉनिटर पर आइटम्स होते हैं उन आइटम्स को पॉइंट आउट करने के लिए हम माउस का यूज करते हैं एंड सेकेंड यूज इज टू ड्रो इफ यू वॉन्ट टू ड्रो एनी थिंग एनी शेप और एनी अदर ड्राॅइंग पार्ट यू विल यूज़ द माउस मेन पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर अगर आप कुछ भी ड्रॉ करना चाहते हैं मॉनिटर पर तो आप उसके लिए भी माउस का ही यूज़ करेंगे सेलेक्ट आइटम्स ऑन द मॉनिटर अगर आप मॉनिटर पर कोई भी आइटम सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप माउस का ही यूज़ करेंगे आपको बताएंगे वाउस पॉइंटर यू कैन सी आई ऑन द मोनिटर आप मॉनिटर पर एक छोटा सा एरो बना हुआ देखते है न दिस स्मॉल एरोउस पॉइंटर इस छोटे से एरो को ही माउस पॉइंटर कहा जाता है द कंप्यूटर माउस कंट्रोल दिस पॉइंटर और जो हमारा कंप्यूटर का मेन पार्ट माउस होता है वही पॉइंटर को कंट्रोल करता है और वो कम उसे कंट्रोल कैसे करता है आगे हम इसी बात पर बताएंगे आपको यही बताएंगे कि किस तरह से कंप्यूटर का माउस इस पॉइंटर को कंट्रोल करता है आपको ये तो क्लियर हो ही गया होगा कि माउस पॉइंटर होता क्या है when you move the mouse जब आप माउस को मूव करते हैं द पॉइंटर आल्सो मूव्स ऑन द स्क्रीन जब आप माउस को मूव करेंगे तो आपका जो पॉइंटर है वो भी स्क्रीन पर मूव करेगा अगर आप माउस को किसी भी डायरेक्शन में मूव करते हैं आप डाउन लेफ्ट एंड राइट तो आपका जो पॉइंटर है मॉनिटर पर वो भी आपका उसी डायरेक्शन में ही मूव करेगा इट फॉलोज द मूवमेंट ऑफ द माउस इट मीन्स आपका जो माउस को ये पॉइंटर फॉलो करता है जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो डायरेक्शन वो यूज होगी माउस से और वही उस तरफ ही वो मूव होगा नाउ वी विल स्टडी हाउ मैनी बटन्स आर देयर इन आर माउस माउस के कितने बटन्स होते हैं द माउस हैज एट लीस्ट टू बटन्स माउस के टू बटन्स होते हैं जैसा कि आप इस पिक्चर में देख भी रहे हैं द लेफ्ट बटन लेफ्ट बटन इज इन लेफ्ट साइड एंड द राइट बटन राइट बटन इज इन राइट साइड सम माइस इवन अ स्क्रोल बटन लेकिन कुछ माउस में एक स्क्रॉल बटन भी होता है माउस के सेंटर में होता है और उसे स्क्रॉल व्हील भी कहा जाता है और उस बटन का यूज मेन आपके पेज को अप और डाउन करने के लिए किया जाता है आप इस पिक्चर के थ्रू ये बटन्स के बारे में इजीली जान पाएंगे आगे देखते हैं यूजिंग माउस हाउ विल यू यूज माउस आप माउस को यूज कैसे करेंगे कैसे आप उस माउस को होल्ड करेंगे अब हम इस बारे में आपको बताएंगे कीप योर राइट हैंड ओवर द माउस माउस पर अपना राइट हैंड रख दीजिएगा देन पुट योर फर्स्ट फिंगर ऑन द लेफ्ट माउस बटन और अपनी फर्स्ट फिंगर को माउस के लेफ्ट बटन पर रखिएगा पुट योर मिडिल फिंगर ऑन द राइट माउस बटन और अपनी मिडिल फिंगर को आप माउस के राइट right साइड वाले बटन पर रखेंगे ये आपकी प्रोसेसिंग होती है और मैं आगे आपको ये पिक्चर भी दिखाऊंगी कि किस तरह से माउस को होल्ड किया जाता है नाउ यू कैन सी द पिक्चर आप ये पिक्चर देख रहे हैं इस पिक्चर में यही शो हुआ है कि ये माउस किस तरह से होल्ड किया हुआ है आप देख पा रहे हैं पालमोन बेस ऑफ माउस जो हथेली है वो माउस पर है थम्ब ऑन द साइड ऑफ द माउस और जो आपका राइट हैंड का थंब होगा वो माउस के साइड में होगा पॉइंटर ऑन लेफ्ट माउस बटन इट मीन्स आपका जो फर्स्ट फिंगर होगी वो लेफ्ट माउस बटन पर होगी एंड मिडिल फिंगर ऑन द राइट माउस बटन और आपकी मिडिल फिंगर राइट माउस बटन पर होगी नाउ प्रेसिंग द माउस बटन मेक्स अ क्लिकिंग साउंड जब आपका माउस बटन प्रेस होते हैं तो उसमें एक साउंड आती है उसे क्लिकिंग कहा जाता है हैंस वेन यू प्रेस द लेफ्ट बटन जैसे कि आप माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करते हैं इट इज कॉल्ड लेफ्ट क्लिक वो लेफ्ट क्लिक कहलाता है सिमिलरली ऐसे ही प्रेस द राइट राइट बटन, बटन जब आप right क्लिक करते हैं माउस का इट इज कॉल्ड द राइट क्लिक वह आपका राइट right क्लिक कहलाता है ओके okay? अभी आपने देखा कि माउस को हम कैसे यूज करते हैं माउस का क्या कैसे पकड़ते हैं माउस को माउस के क्या क्या यूज़ेस होते हैं और आगे भी मैं आपको माउस का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगी कि माउस के क्या क्या और यूज़ेस होते हैं कंप्यूटर पर कैसे कैसे माउस को और कामों के लिए यूज़ किया जाता है और माउस की देखभाल हम कैसे कैसे कर सकते हैं आइए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं Uses of the mouse. Mouse के क्या क्या यूज होते हैं द माउसूर कंप्यूटर पर यू कैन तुम कर सकते हो वट यू कैन विद द हेल्प ऑफ द माउस इन ऑन द मॉनिटर ड्रेक्ट द माउस एंड पॉइंट समथिंग आप माउस को ड्रेक करके कोई भी आइटम्स को पॉइंट कर सकते हैं लेफ्ट क्लिक ऑन द माउस बटन टू सेलेक्ट सम थिंग अगर आप मॉनिटर पर किसी आइटम को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे प्रेस द लेफ्ट माउस बटन क्विकली टू ओपन सम फाइल। दिस इज कॉल्ड डबल क्लिक अगर आप माउस का लेफ्ट बटन डबल क्लिक करेंगे तो आप किसी फाइल को ओपन करने के लिए ये वाली प्रोसेसिंग करेंगे अगर आप किसी फाइल को ओपन करना चाहते हैं जो आपने कोई फाइल अपनी सेव की हुई है या किसी और की फाइल है तो आप उस फाइल को ओपन करने के लिए अपने माउस के लेफ्ट बटन को डबल क्लिक करेंगे और इसे डबल क्लिक भी कहा जाता है नाउ अब मैं आपको बताने जा रही हूं यूजेज ऑफ द माउस माउस के और कौन कौन से यूजेस होते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर यस आप देखते हैं आपके अपने स्क्रीन पर बहुत सारे आइटम शो हुए होते हैं इफ यू वॉन्ट टू चेंज द प्लेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट देन यू विल यूज माउस अगर आप मॉनिटर पर किसी ऑब्जेक्ट को प्लेस को चेंज करना चाहते हैं तो आप माउस पॉइंटर को उस आइटम पर ले जाइएगा वहाँ पर लेफ़्ट क्लिक करके ड्रैग कीजिएगा और जहाँ पर आपको उस आइटम्स को रखना है प्लेस चेंज करना है वहां पर आप उसे लीव कर दीजिएगा तो आपका वो आइटम का प्लेस चेंज हो जाएगा ड्रैग एंड ड्रॉ शेप्स माउस का यूज शेप्स को ड्रैग और ड्रॉ करने के लिए भी किया जाता है मेक अ चॉइस फ्रॉम अ मेनू और आप मेनू से चॉइस मतलब अपने चॉइस से भी, भी वो बना सकते हैं माउस केयर हाउ विल यू टेक केयर ऑफ योर माउस आप अपने माउस की देखभाल कैसे करेंगे माउस केयर इज इम्पॉर्टेंट यस माउस की केयर करना बहुत ज़्यादा जरूरी है ऑलवेज पुट द माउस ऑन अ माउस पैड हमेशा आपको अपने माउस को माउस पैड पर रखना चाहिए दिस हेल्प्स द माउस मूव easily. यह आपके माउस को मूव करने के लिए बहुत ज़्यादा इजिली रहेगा अगर आपका माउस माउस पैड पर होगा तो आप इजीली माउस के थ्रू वर्क कर पाएंगे अगर आप नॉर्मली माउस को रखेंगे विदाउट माउस पैड तो आप अनकंफर्टेबल भी फील होंगे और वो बहुत ज़्यादा रफली भी होगा ऑल्सो प्रोटेक्ट द माउस फ्रॉम स्क्रेचेज योटेक्ट करता है अभी मैंने आपको बताया था अगर ये आप mouse का यूज नहीं करेंगे तो रफली एरिया होगा और उससे आपके माउस पर भी स्क्रेचेज आ जाएंगे सम माउस पैड है्यूटिफुल पिक्चर्स ऑन देम यस आजकल मार्केट में बहुत सारे ऐसे माउस पैड भी अवेलेबल हैं जिनमें आप अपने पसंद की बहुत सुंदर सुंदर पिक्चर प्रिंटेड माउस को भी आप मार्केट से खरीद सकते हैं और उन माउस पैड को आप अपने घर पर अपने माउस के लिए यूज़ कर सकते हैं और अपने माउस को ख़राब होने से बचा सकते हैं नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो आप हमारी वीडियो ऐसे ही देखते रहिएगा डेली आपको किसी ना किसी टॉपिक पर कोई ना कोई नॉलेज मिलती रहेगी अलग अलग टॉपिक्स पर मैं आपको अलग अलग वीडियो प्रोवाइड करती रहूँगी और इसलिए आप मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे मेरी वीडियोस अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी और आप इसका बेनिफिट ले पाएंगे थैंक यू सो मच थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो